पीछे से करना क्या सही है क्या? बहुत लोगों का ऐसा भी सवाल आता है कि क्या मैम हम पीछे से कर सकते हैं, और करना भी है तो हमारे जो पार्टनर है वो करने नहीं देती है, किस प्रकार से करना चाहिए और उसे हम कैसे मनाएं? हज़ारों लोगों को हज़ारों प्रकार के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके भी मन में ये सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम आपको अगर अपने पार्टनर के साथ अगर पीछे से करना है, जिसे एनल कहा जाता है, अगर आप ये करने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही आप दोनों पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में डिटेल में आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब भी हम कोई भी नई नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि पीछे से करने की जब भी बात आती है तो पुरुष लोग, लड़के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के पुरुष होते हैं जो कि उनको पीछे से करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, और उसमें से सिर्फ 5% यानी कि सिर्फ 5% ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको पीछे से करना अच्छा लगता है, बाकी जो 95% ऐसी लेडीज होती हैं जिनको ये पोजीशन पसंद बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उनको वहाँ पे दर्द होता है, पेन होता है, वहाँ के सीन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट होती है। तो ऐसे में आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 बात कि अगर आपको पहली बार वहाँ से करना है तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर से इसके बारे में बात करो, वो रेडी है कि नहीं रेडी है। दूसरी बात कि अगर आपको पहली बार वहाँ पे करना है तो प्रोटेक्शन का फुल ध्यान देना पड़ेगा, चाहे आप पीछे से करो, चाहे आप जो वजाइना होता है वहाँ पर करो, प्रोटेक्शन यानी जैसे कंडोम्स होता है ये लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो पीछे का भाग होता है वहाँ पे इन्फेक्शन संक्रमण और जो एलर्जी होती है वहाँ पे उसका खतरा काफ़ी ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि वो आपका मल का भाग होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जेंट्स होते हैं जो कि उनको वहाँ से करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आपको वहाँ पे कंडोम्स का भी इस्तेमाल किया है और आपने सावधानी भी रखी है, उसके बावजूद अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे इस बात का ध्यान दें कि अगर वहाँ की स्किन काफ़ी ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिना किसी लुब्रिकेशन का आप वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो वहाँ पे स्किन है वहाँ पे जो, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट होता है वो वजाइना होता है, वहाँ पे लुब्रिकेशन रिलीज होता है जिससे वजाइना काफ़ी ज़्यादा ढीली रहती है, तो आपको करने में वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती और आप आसान तरीके से अपना रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई डिस्चार्ज हो और आपको करने में कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि वहाँ पे आपको लुब्रिकेशन जो होता है वो लगाना पड़ेगा ऑलरेडी, जब तक लगाएंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाएंगे, अगर ऐसे में आप करते हैं तो वहाँ की स्किन भी फट सकती है, आपका कंडोम्स भी फट सकता है, उसके बावजूद आपके पार्टनर को कई सारी तकलीफ भी हो सकती है। फिर सबसे पहले आप अपने फिंगर को डाल सकते हैं, अगर फिंगर को डालने के बाद अगर आपके पार्टनर को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रहा है तो आप धीरे धीरे आप अपने प्राइवेट पार्ट को वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे हम आपको कुछ सावधानी बता रहे हैं। जैसे कि पहली बार जब आप कर रहे हो तो ध्यान दें कि वहाँ पे अगर बहुत लोग जो है मतलब कि झटके से या जोर से या ज़बरदस्ती जब करते हैं तो वहाँ पे आपके फीमेल पार्टनर का जो पार्ट्स होता है उसके जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा जो रिंग वाला भाग होता है वो बहुत ही नाजुक बहुत ही कोमल होता है, तो फट जाता है, जिससे वहाँ पर ब्लीडिंग होने लगती है, जब फट जाता ब्लीडिंग होती तो वहाँ पे इन्फेक्शन बैक्टीरिया और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर को हो सकता है। कि बहुत सारे लोगों का सवाल यह भी आता है कि मैम हमें पसंद है, हमारी पार्टनर नहीं करने देती, तो मैं उन लोगों को सजेशन देती हूँ कि आप करने से पहले इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें, अगर आपके पार्टनर नहीं मानती है नहीं करना चाहते तो प्लीज़ भैया आप उनके साथ ज़बरदस्ती भी मत करो, क्योंकि ये दोनों की पसंद होनी चाहिए, दोनों का यहाँ पे रजामंदी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक को पसंद है एक को नहीं पसंद है तो अपनी पसंद के लिए अपने पार्टनर को मुसीबत में डाल दें, ठीक है। तो उसका शरीर है भाई, उसका पार्ट्स है, अगर वहाँ पे उसको फोर्स करते हैं तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, तो इसीलिए आप अपने पार्टनर का सपोर्ट करें, उसकी अगर उसका ना है तो उसके ना में आप उसकी सहमियत रखें, ठीक है। दूसरी बात कि अगर वहाँ पे आप दोनों पार्टनर अगर सहमत हैं करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा सजेशन हम ये भी देते हैं कि अपने फिंगर को डालते समय आप इस बात का ध्यान दें कि आपका फिंगर भी साफ होना चाहिए, वहाँ पे कोई गंदगी या फिर फिंगर का जो नाखून होता है अगर वो बड़ा है तो इस बात का ध्यान दें कि वहाँ पर नाखून की वजह से भी आपके पार्ट्स में कट लग सकता है। अगर आप साफ है कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है तो पहले फिंगर को डाल के देखें, अगर आपके जो पार्टनर उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, इजीली तरीके से उसको सहन कर रही है, इजीली तरीके से वहाँ पे वो अगर एंजॉय कर रही है तो आप जो है आसान तरीके से वहाँ पे आप रिलेशन बना सकते हैं, यहाँ मतलब अगर इस तरीके से आप संभव करते हैं तो आपको भी मतलब जो जेंट्स होते हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वहाँ पे उनके लिए ये ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा रहता है कि वहाँ पे उनकी जो प्रेगनेंसी होती है इनका यहाँ कोई प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि जो आपका अगर अस्पर्मक मान लो मतलब कि जैसे कि बाई चांस अगर आपका जो कंडोम्स होता है अगर फट जाता है, जो अस्पर्म अगर अंदर चला जाता है जो गुदा में चला जाता है तो यहाँ पे आपके प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि जो गुदा का जो भाग है वो डायरेक्ट जो है अंदर चला जाता है, तो आपके जो गर्भाशय है उसे कोई लेना देना यहाँ पे नहीं रहता है, कोई कनेक्शन नहीं रहता है, तो इसलिए आप प्रेगनेंसी से यहाँ पे बची रहते हैं, सेफ रहते हैं, इसका एक फायदा बस यही रहता है, बाकी यहाँ पे बस आप अपने
अपने बहुत सारे लोग जो हैं ये अपने इंजॉय के लिए, अपने मतलब खुशी के लिए इस चीज़ को करते हैं। अगर आपको पसंद है, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पार्टनर राज़ी हो जाते हैं सब चीज़ों को करने के बाद, तो आप इन सारे चीज़ों को प्रोटेक्शन का फुल ध्यान देने के बाद आराम से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लुब्रिकेशन के बिना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि छोटी सी जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करके मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।